बोलो बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपका कल नया चैप्टर शुरू हो गया था, क्षारी मृदा धातु। कल जो नया चैप्टर था क्या था? क्षारी मृदा धातु। उसमें कल आपको हमने क्षारी मृदा धातु के बारे में बताया था और आपको क्षारी मृदा धातुओं को पहचानना भी बताया था, कैसे पहचानते हैं। दो क्वेश्चन हो गए थे, क्षारी मृदा धातु की आवक प्राणी में स्थान की विवेचना कीजिए। क्षारी मृदा धातु की आवक प्राणी में स्थान की विवेचना, इसी को कहते हैं वर्ग सेकेंड के तत्व या सेकेंड वर्ग के तत्व। ये चैप्टर था जिसमें कल आपको हमने क्षारी मृदा धातु और क्षारी मृदा धातुओं के सामान लक्षण इतना कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। उसी के आगे आज आपको पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना के बारे में पढ़ाना है। हेडिंग डाल लो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। जिन बिना बुझा चूना जिसमें पानी न पड़े खराब, जिसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एड लिखेंगे बनाने की विधि, हेडिंग डाल लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना CaO। लिखेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि में लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर, उच्च ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया संगमरमर को उच्च ताप यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना, उच्च ताप पर, तब बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। ये पहला नंबर, कैसे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट? खड़िया को गर्म 1000 टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरा नंबर लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सेकेंड नंबर लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करके, उच्च ताप पर गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल 12, ये बुझा चूना होता CaOH का होल 12, इसको 1000 डिग्री पे हीट करने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बचता है H2O। नोट कर लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद है निकालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के गुणधर्म, या कह सकते हैं बिना बुझा चूना के गुणधर्म, भौतिक गुण रासायनिक गुण सब एक साथ हेडिंग डालो गुणधर्म, गुणधर्म लिखिए। पहला नंबर कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक का, कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक का
सफेद ठोस पदार्थ है, सफेद ठोस पदार्थ है। दूसरा नंबर यह जल से क्रिया करके बहुत ऊष्मा उत्पन्न करता है। चूना जो होता है, जब जल से इसको जल में भिगाओ तो देखना चौथा टाइप का है, देखा चूनन पानी डाल के उबलता टाइप का है, तो उसमें ऊपर को देखना भाप टाइप की निकलती, इसलिए ऊष्मा कहते, उसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा हमेशा कैलोरी या किलो कैलोरी में होती है, ठीक है, कि यह जल के साथ ऊष्मा अवशोषित करता या ऊष्मा उत्पन्न करता है, जल से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। बहुत सरल है, गुणधर्म दो हो गए। तीसरे पॉइंट पे सबको पता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ जब प्रवाहित करेंगे तो देखो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaO2H2 पूरी बैलेंस तो है, प्लस आगे ले दो ऊष्मा अवशोषित, क्या अवशोषित हुई ऊष्मा, बस इसके बाद लिखेंगे उपयोग से पूरा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसके क्या क्या वर्क हैं, काहे काहे में यूज होता है, डालो एडिंग उपयोग, लिखो अमोनिया को शुष्क करने में। दूसरा, जल की अशुद्धि को दूर करने में, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड और चूने के पानी के निर्माण में। लास्ट पॉइंट लिख लो, चूने के पानी कार्बोनेट के परीक्षण में किया जाता है। कार्बोनेट के परीक्षण में किया जाता है। इस तरह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बिना बुझा चूना पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना है कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया, ये कैसे बनती है और इसका कहां कहां उपयोग होता है। जितने संगमरमर चूना पत्थर बनते हैं वो सब खड़िया से बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कोष्ठक में लिख देना, खड़िया, चूना, पत्थर, संगमरमर, इन सबके फार्मूला एक ही होता है। अणु सूत्र लिख लेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, किसी को खड़िया, चूना, पत्थर, संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है। कैसे बनता है लैब मेथड में, थोड़ा इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, फिर हम रिएक्शन इसके रिक्वायरमेंट बनाने की, तो लिखिए एड डालने के बाद बोले, लिखिए प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है। देखो प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट कई रूपों में मिलता है या कई रूपों में पाया जाता है, जैसे चूना पत्थर कौमा चाक यही खड़िया चौक कौमा संगमरमर कौमा कैल्साइट कोरल, ये जानते कैल्साइट कोरल, ये पता सब अयस्क है कैल्शियम के जो इसके साथ यूज होते हैं, कैल्साइट कोरल
आदि। आदि अब लिखेंगे बनाने की विधि, कैसे बनती है खड़िया बनाने की विधि। बहुत सरल मेथड है, लिख लीजिए बनाने की विधि। बोले लिखो कैल्शियम ऑक्साइड को, यही बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्या होता है चूना CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला दो CaCO3। बहुत सीधा सी, शायद चूना जो पड़ा है तो उसका उल्टा। चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, दूसरा लिख लो। लिखिए नंबर दो डाल के बनाने की विधि, एक और बता दे कैसे बनता। देखो कैल्शियम सल्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर, कैल्शियम सल्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर, जल के साथ प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, देखो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर H2 के साथ रिएक्शन करके CaCO3 प्लस H2SO4। तो मान लो H2SO4 क्या होता है बताओ, इसका नाम बताओ क्या है, H2SO4 यही बता दो, कुछ भी नहीं आता तुमको, ना पढ़ती हो ना कुछ आता। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बता पा रही हो और सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं मान रही, सल्फ्यूरिक अम्ल या कह रहे थे हाइड्रोजन सल्फेट मिला, चलो छोड़ो डालो हाइड्रोजन बोर्ड पर, माइंड बना ले, माइंड बना ले, आ जाए तो ठीक ना आ जाए तो ठीक, मतलब समझ में आए तो ठीक ना आए तो ठीक, अच्छी बात। लिखो आगे कैल्शियम कार्बोनेट के गुणधर्म, पढ़ा करो घर में रोज कहते। लिखिए गुणधर्म पहला, कैल्शियम कार्बोनेट जल में आविले सफेद ठोस है। कैल्शियम कार्बोनेट जल में आविले सफेद ठोस है, सफेद ठोस है। दूसरा नंबर, यह तेज गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। तेज गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। दो भौतिक गुण हो गए, तीसरा देखो रासायनिक, आप हेडिंग डाल लें अपघटन, चाहे ना डालें सीधे आपको पता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं, खड़िया पहले तो जल्दी पल्दी वाटर में घुलती नहीं है जल में, और जब घुलती है तो कम से कम उसको 1000 टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता तब घुलती है, और बन जाता है घुलने के बाद CaO चूना प्लस तेज जो पानी बचता वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नोट कर लीजिए तीसरा पॉइंट, लास्ट चौथा पॉइंट,
नोट हो गया हो। चौथा पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। अभी बताया सल्फ्यूरिक अम्ल, मालूम सूत्र बताओ। अभी बताया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो उसी से क्रिया करना है CaCO3 प्लस H2SO4 गिब्स। कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4 प्लस CO2 बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल बन जाएगा। नोट कर लो दोनों रिएक्शन, नोट कर लो। नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे उपयोग। इस तरह से आज आपका दो चैप्टर यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूना और कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया दो कंप्लीट हो जाता है। कल फिर आपको आगे पढ़ाएंगे हम इसके बारे में, आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। आज उपयोग और लिख लो क्रिया की, बस हेडिंग डालो उपयोग। पहला उपयोग लिखिए, देखो चूना पत्थर से, चूना पत्थर से कई कैल्शियम लवण बनाए जाते हैं, कई कैल्शियम लवण बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, चूना पत्थर का औद्योगिक महत्व, चूना पत्थर का औद्योगिक महत्व, औद्योगिक महत्व के क्षेत्र में प्रमुख है, औद्योगिक महत्व के क्षेत्र में प्रमुख है। लास्ट पॉइंट लिख लो, चूना पत्थर से कैल्शियम कार्बोनेट और बिना बुझा चूना के कई लवण बनाए जाते हैं, कि कई लवण बनाए जाते हैं, कई लवण बनाए जाते हैं, कई लवण बनाए जाते हैं। एक और लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट आदि के निर्माण में, कैल्शियम सल्फेट आदि के निर्माण में। इस तरह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दो पूरे कंप्लीट होते हैं। इसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो समझ में आए अगले दिन आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।